हेलो एवरीवन मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बट इसे स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे क्या आप मुझे बता सकते हैं इंडिया में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है या किस कंट्री से इंस्पायर्ड है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओनली आई एस लेकर आए हैं आपके लिए प्रारंभ कोर्स इस कोर्स में आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दी जाएगी इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल के साथ साथ मेटोनशिप भी मिलेगी यह कोर्स 28 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है और अगर आप इससे पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको अर्ली वर्ड में फाइव परसेंट का डिस्काउंट और अगर आप ओनली आई के पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा साथ ही साथ अगर आप 28 से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 8 डेज की मेंटोरशिप मिलेगी मेंटल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज तो इस कोर्स से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए या फिर सैंपल लेक्चर्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं वीडियो डॉट ओनली आई एस डॉट इन और यू कैन मेल एस एट इन्फो एट ओनली आई एस डॉट कॉम तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बेसिकली आपने न्यूज में देखा होगा सुप्रीम कोर्ट टू लुक एट इनफोर्सिंग फंडामेंटल ड्यूटीज क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए या नहीं इसके लिए एक प्ली लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट वुड बी लुकिंग इनटू दिस मैटर तो हमें देखना है कि आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या क्या वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे किस कमिटी ने इसे रिकमेंड किया है और क्या ये कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल है या फिर नहीं देन We are also going to see क्या इनकी कोई लीगल बैकिंग है क्या कोई लॉज है जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया है और साथ में हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि वेदर दिस इन द कोर्ट और नॉट क्या उन्हें कोर्ट में इन्फोर्स करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन दोनों मुद्दों पे हम एक कोर्ट हम एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे देन लेट्स स्टार्ट व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन है किसी भी कंट्री के हर सिटीजन का और इसे इसका जो मेन एम है कि हर सिटीजन को एक रिमाइंडर देना हर सिटीजन को ये याद दिलाना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कुछ फंडामेंटल राइट right तो दिए हैं बट उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिटीजन को कुछ जो डेमोक्रेटिक कंडक्ट है डेमोक्रेटिक बिहेवियर है उनका भी पालन करना होगा फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट एक दूसरे पे आश्रित है तो आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि वे वी आर नॉट फॉलोइंगेंटल ड्यूटी राइट क्योंकि फंडामेंटल राइट right और फंडामेंटल ड्यूटीज एक दूसरे पे आश्रित है और अगर हम बात करें इस फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में तो इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट फोर इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर में

Part किया गया में और आर्टिकल है फिफ्टी और एक बात और ध्यान रखने की है ये जो फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट किया गया नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है इन टू थाउजेंड टू जब राइट टू एजुकेशन को लेकर कंट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था जब इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो किया जाना चाहिए अ फंडामेंटल राइट तो गवर्नमेंट ने उस टाइम में किया था आर्टिकल 21 right जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने जो वार्ड हैं जो अपने चिल्ड्रेन हैं उन्हें बेसिक एजुकेशन देने के लिए स्कूल्स में भेजे या उनके एजुकेशन के लिए कुछ इंतजाम करें हम देखेंगे इन फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके सबसे पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी है सॉरी ड्यूटी वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग द नेशनल एंथम तो पहले जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए इसके जो आइडियल्स हैं हैं इसके जो जो नेशनल फ्लैग है जो नेशनल एंथम है, है उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए साथ ही साथ ये ये भी बोलती है कि जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो था इंडियन नेशनल मूवमेंट उसमें कुछ नोबल आइडियल्स थे वो महात्मा गांधी के हो सकते हैं वो नेहरू के हो सकते हैं वो आर अंबेडकर के हो सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के हो सकते हैं तो जो भी नोबल आइडियल्स थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो आइडियाज थी उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए वी शुड चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स देन तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी वी शुड ऑल्सो अपहोल्ड हमें अपनी कंट्री के सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है इसे प्रोटेक्ट करना है तो अगेन दिस इज वन फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन देन साथ में साथ जब भी जरूरत पड़े जब भी जरूरत पड़े और जनरली हमें कंट्री को डिफेंड करना है और जब भी जरूरत पड़े तो अगर किसी नेशनल सर्विस को प्रोवाइड करना हो अगर सपोज कुछ ऐसी जरूरत आ पड़े कि लोगों को आर्मी में जाना हो या लोगों को बॉर्डर पे जाना हो बॉर्डर पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो तो एवरी सिटीजन शुड बी रेडी फॉर दैट जब भी उन्हें बोला जाए दे शुड बी रेडी टू दिसर सम नेशनल सर्विस तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है नेक्स्ट वन एक जो अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी है वो है सोसाइटी में हार्मनी सोसाइटी में पीस को प्रमोट करना साथ ही साथ जो डिफरेंट रिलीजन है जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक जो डिविजन है कंट्री में हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं बहुत सारे रीजन है उनका डायलेक्ट अलग है उनका कल्चर उनका ट्रेडिशन अलग है कई सेक्ट्स हैं तो इन सभी के बीच में कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को प्रमोट करना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है साथ ही साथ अगर कोई प्रैक्टिस है, को है तो उन्हें खारिज करना टू रिनाउंस दो प्रैक्टिस इज अगेन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन साथ ही साथ जो हमारा कंपोजिट कल्चर है जो हमारे कंपोजिट कल्चर का जो रिच हेरिटेज है उसे वैल्यू करना उसे प्रिजर्व करना हमारे कल्चर को प्रमोट करना यह भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है देन नेक्स्ट वन जो हमारा नेचुरल है जैसे फॉरेस्ट लेक रिवर्स वाइल्ड लाइफ इन्हें प्रोटेक्ट करना इन्हें इंप्रूव करना और साथ ही साथ लिविंग क्रिएचर्स के टुवर्ड्स कंपैशनेट होना टू लव देम अगेन दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी देन नेक्स्ट वन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पल ह्यूमनिज्म And the of and अगर को आगे बढ़ना है, तो जो हमारे है, they have that आगे बढ़ सकती है सो अगेन दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन साथ ही साथ जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे सेफ गार्ड करना वायलेंस को रिजेक्ट करना ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है देन साथ ही साथ कर रहे हैं उन सभी में एक्सिलेंस के तरफ बढ़ना सो डैट नेशन का कंटिन्यूसली राइज हो नेशन की जो हमारा कंट्री है वो चारों दिशाओं में बढ़े उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट हो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो लिटरेचर में डेवलपमेंट हो तो इन सभी में एक्सिलेंस की तरफ मूव करना यह भी सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है साथ ही साथ जो एक रीसेंट एडिशन था जो भी पेरेंट है या गार्जियन है उन्हें अपने चिल्ड्रेन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एजुकेशन के लिए कोई भी अगर चिल्ड्रेन है बिटवीन सिक्स टू फोर्टीन इयर्स ऑफ एज उनके लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना सो दैट दे कैन टेक पार्ट इन द नेशन बिल्डिंग यह भी एक फंडामेंटल ड्यूटी की तरह एड किया गया था

तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें कुछ हमें ऐसे ड्यूटीज मिलेंगे जो डायरेक्ट हिट करती हैं जैसे जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी डायरेक्ट हिट करती है कि को opportunities provide करना But अगर हम इस जी बात करें 51J, to strive towards excellence in all spheres, तो excellence की क्या definition होगी और किस तरीके से सिटीजन बढ़ेंगे उन्हें क्या करना है तो ये काफी सब्जेक्टिव होगा तो फंडामेंटल में एक चीज जो हमें देखने को मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सर्टन थिंग्स आर डायरेक्टली एमिंग एट अचीविंग समथिंग दूसरे कुछ चीजें हैं जो काफी सब्जेक्टिव हैं। थर्ड कुछ जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी जो fundamental duties जो फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूटीज हैं हैं, भी ये uh, duties enlist की गई बेसिकली ये हमारे कॉमन लिविंग का पार्ट है इट इज अ बेसिक सिविल ड्यूटी इट इज नॉट समथिंग विच नीड्स इवन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली जो भी सिटीजन हैं, उनका अपने कंट्री के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए okay? अब हम बात करते हैं लीगैलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या ये enforceable है द आंसर इज नो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो डायरेक्टली इनफोर्सिबल नहीं है हालांकि जो कोर्ट है अगर कोई मैटर पे एडुकेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो उस केस में या कोई भी ऐसा केस आता है जहां पे सपोज देर इज एनी इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम और उस मामले में अगर कोर्ट कोई भी मैटर पे डिस्कस कर रहा है कोई भी मैटर में हियरिंग कर रहा है तो अगेन वो देख सकता है कि, कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी थी तो क्या आपने ऐसा किया था या नहीं तो उन सभी चीजों में कंसिडर किया जा सकता है बट डायरेक्टली बाय लॉ नो इट इज नॉट साथ ही साथ इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसलिए बनाया गया था टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन इन रिटर्न फॉर द फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने

तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये हमनेसेप्ट डिराइव किया है अगर पूछा जाए कि क्या कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज का है yes. Japan, Japan तो आंसर इज यस जापान जापान इज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज देयर तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में सिर्फ इंडिया नहीं है ऐसा जहां पे ये फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है इसके अलावा जापान भी है अब क्वेश्चन यह है ड्यूटी टू पे टैक्स क्या यह है फंडामेंटल ड्यूटी अभी हमने देखा कहीं पे भी directly mention नहीं है ड्यूटी टू पे टैक्स एक पार्ट होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी का बट गवर्नमेंट ने इसे शामिल नहीं किया था तो ड्यूटी टू पे टैक्स इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज द कॉन्स्टिट्यूशन अब हम देखते हैं क्या इनको इफेक्ट देने के लिए क्या इन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई लॉज है द आंसर इज यस इसमें बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिन्हें इनफोर्स करने के लिए वी हैव प्रॉपर लॉज जैसे अगर हम बात करें पहले फंडामेंटल ड्यूटी की जो नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करने के लिए इनका रिस्पेक्ट करने के लिए बोलता है तो उससे रिलेटेड वी हैव वन एक्ट द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट और इसमें बहुत सारी पेनाल्टीज बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं इफ यू आर डिसरेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और डिसरेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग तो क्या पेनाल्टीज क्या पनिशमेंट हो सकती है साथ ही साथ जो हमारे डिफरेंट फंडामेंटल ड्यूटीज हैं लाइक like जो ब्रदरहुड uh, को प्रमोट करने के लिए जो वायलेंस को एब्जोर करने के लिए उन सभी के लिए अगेन वी हैव अ सीरीज ऑफ क्रिमिनल लॉज आईपीसी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये सभी जो है वो कॉमन ब्रदरहुड को प्रेजेंट करते हैं अगर कोई वायलेंस होता है तो उसे उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं तो अगेन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली वी हैव अ सीरीज ऑफ लॉज विच प्रिवेंट दीज थिंग्स अगर हम बात करें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा एक ड्यूटी था कि हमें अपने फॉरेस्ट एरियाज को कंजर्व करना है लेक्स को कंजर्व करना है तो अगेन वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो ये 51 ए क्लॉज जी जो है उनको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको प्रमोट करने के लिए वी हैव दिस एक्ट वी हैव दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट देन राइट टू एजुकेशन भी तो है और राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इन प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो अगेन जो हमारा 51 ए सब क्लॉज के है उसके लिए भी हमारे पास एक अगर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली इन्फोर्स करना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या नहीं करना चाहिए तो इन दोनों के फेवर में और अगेंस्ट में हमारे पास कुछ आर्टिकल्स है हमारे पास कुछ कोर्ट्स हैं विच यू कैन यूज अगर बात करें इन फेवर ऑफ लीगल इन्फोर्समेंट की तो इसमें आप ये यूज कर सकते हैं कि राइट्स और ड्यूटी जो है वो को रिलेटिव है और अगर एक का वायलेशन होता है तो दूसरे का भी वायलेशन होगा सपोज फंडामेंटल ड्यूटीज अगर ब्रदरहुड प्रमोट करने की हम बात करें तो ब्रदरहुड अगर प्रमोट नहीं करते हैं कुछ लोग अगर एनिमिटी को प्रमोट करते हैं कुछ लोग वायलेंस को प्रमोट करते हैं तो जो दूसरे सिटीजन है उनका तो फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है उनका तो राइट टू लाइफ ब्रीच हो रहा है तो अगेन अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को देखें कि बिना बिना फॉलो किए हुए, इनका पालन किए हुए क्या फंडामेंटल राइट हो सकता है आंसर इज नो नॉन एडेरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन फंडामेंटल राइट तो हो सकता है आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट ना हो रहे हो बट अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करते हैं तो दूसरे सिटीजन का फंडामेंटल राइट इंपैक्ट हो सकता है आर्टिकल फोर्टीन राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ ये सारी चीजें इंपैक्ट हो सकती है अगर कुछ सिटीजन अपना फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अगर आपको लीगल इन्फोर्समेंट के फेवर में लिखना है यू कैन यूज दिस कोट अगर आपको अगेंस्ट में लिखना है तो उसके लिए भी यू कैन यूज दिस वन बिकॉज क्वेश्चन का जो पैटर्न हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है कहीं पर हो सकता है कि आपको यह लिखना हो कि नहीं हमें इसके लिए नहीं जाना है इनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी तो उसके लिख सकते हैं टू बिगिन पीपल ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोगों ने ही जो हमारी रिपब्लिक है जो सोबरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसे लोगों ने ही क्रिएट किया है बट अब रिपब्लिक इज क्लेमिंग टू बी द मास्टर ऑफ सिटीजन रिपब्लिक को क्रिएट किया सिटिज़ंस ने और अब रिपब्लिक इज क्लेमिंग टू बी द मास्टर ऑफ द सिटिज़ंस और ये चाहती है कि जो सिटिज़ंस है उसके ओबीडियंस में रहे उसके जो भी लॉज हैं या फिर जो भी कमांड है उसे फॉलो करे तो अगेन इससे ये मालूम चलता है कि स्टेट का जो कॉन्फिडेंस है सिटिज़न में वो ऑबवियसली शेकन है उनका सिटिज़ंस में कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो रिपब्लिक सिटीजेंस नहीं क्रिएट किया है क्या वो मास्टर हो सकता है सिटीजन का तो आंसर इज नो जब आपको अगेंस्ट में लिखना हो तो आप ये का यूज कर सकते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आज इतना ही वी हैव ये क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से डिराइव किया गया है किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे क्या लीगल बैकिंग्स है क्या ये इन्फोर्सिबल है और क्या हम लिख सकते हैं अगर वो पूछते हैं कि इसे इन्फोर्सिबल बनाना चाहिए या नहीं तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो